हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना पीपीएससी 111 का यूनिट 4। काफी दिनों से पेंडिंग में था वैसे तो। नहीं, यूनिट थर्ड है यार, यूनिट 4 है शायद से। हाँ, यूनिट 4 है। यूनिट थर्ड तो मैंने करा दिए है। हाँ, यूनिट 4 करने वाले हैं। तो 3 यूनिट मैंने करा दिए और आज हम 4 करने वाले हैं, जहाँ पे हम प्लेटो का थ्योरी देखेंगे एजुकेशन को लेकर। प्लेटो के क्या थॉट्स हैं वुमेन को लेकर, और डेमोक्रेसी को ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्लेटो बोल रहे हो, प्लेटो का एजुकेशन थ्योरी, प्लेटो के थॉट्स वुमेन को लेकर, और प्लेटो के थॉट्स डेमोक्रेसी को लेकर। ठीक है, क्यों वो क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं और कुछ नहीं बनने वाला। तो हम बात करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन से। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में, इसमें प्लेटो जो है वो बताता है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि लोगों के दिमाग को नॉलेज से भर देना। तो क्या होता है एजुकेशन में, बताते हैं कि कैसे हम लोगों को गाइड करते हैं, उनके डीपर ट्रुथ को समझाते हैं। ठीक है, आपके जो ट्रूथ है, रियल ट्रूथ, जो डीप ट्रूथ है, जो एक इंसान अपने आंखों से नहीं देख सकता, उसको उसे समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि हर किसी के पास पोटेंशियल होता है लर्न करने का। ठीक है, सीखने का सबके अंदर इतनी क्षमता होती है, और एजुकेशन कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है आपको सुपरफिशियल चीजों तक पहुंचाने में, कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सब समझाने में। तो प्लेटो का थ्योरी की अगर हम बात करें एजुकेशन का, तो क्या पर्पस है एजुकेशन का प्लेटो के अकॉर्डिंग? तो प्लेटो बोलते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके दिमाग को पूरा नॉलेज से भर देना, नहीं। तो क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो आपका सोल है, ठीक है, जो आपकी आत्मा है, उसको ट्रुथ की तरफ लेकर जाना, कि जो आपकी आत्मा है लोगों की हेल्प करे। ठीक है, वो डिस्कवर करे नॉलेज जिससे वो लोगों का हेल्प कर सके, और ये आपके अंदर होती है, बस इस चीज को खोजना पड़ता है। और वो कैसे खोज सकते हो? एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा नॉलेज आपके दिमाग में डाल दिया जाए, बहुत सारा डाटा आपके दिमाग में डाल दिया जाए, नहीं। आप ट्रुथ बोलो, आपको ट्रुथ तक लेकर जाना, लोगों की आप हल्के से हेल्प कर सकते हो नॉलेज का यूज करके। ठीक है, तो ये सब सिखाते हैं कौन, हमारे प्लेटो। अब कौन कौन से स्टेजेस होते हैं एजुकेशन के, तो प्लेटो बोलते हैं कि अगर आप किसी भी लोग को एजुकेट करना चाहते हो, तो कुछ स्टेजेस को पार करके ही आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। कैसे? पहले होता है अर्ली चाइल्डहुड, मतलब अगर कोई बच्चा 7 साल से छोटा है, तो उसको अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए और उसका पालन पोषण उनकी माँ करे, जिससे उसमें मोरल वैल्यूज डाली जाए। ठीक है, एक माँ जो उसके अंदर क्या डालेगी, मोरल अपब्रिंगिंग करेगी उसका। ठीक है, वो खेले कूदे मजे करे, जो उसका मन करता है वो करे। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, एक चाइल्ड का करेक्टर शेप किया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन हो 7 से 18 साल के बच्चों को दी जाए। जो 7 से 18 साल के बच्चे हो उनको क्या प्रोवाइड किया जाए, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में मेन फोकस किया जाना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी वगैरह बनानी है, उसको हेल्थी बनाना है, इसमें ये फोकस होता है इस टाइम पे। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक, जो बेसिक सब्जेक्ट होता है वो भी उनको स्टडी किया जाता है, वो बोर ना हो मैथ्स हिस्ट्री पढ़ते हुए, इसलिए उनको म्यूजिक वगैरह, फिजिकल एजुकेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए 18 से 20 साल तक, 18 से लेकर 20 साल के बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के खत्म होने के बाद स्टूडेंट को 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, जिससे वो आने वाली जो उसकी फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो ये कंपल्सरी होता है क्या, मिलिट्री ट्रेनिंग हर एक किसी को प्रोवाइड कराना। अब जब 20 साल के हो जाते हैं, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल जाती है, उसके बाद 20 साल की उम्र में आपका होता है एक टेस्ट, जो इस टेस्ट को पास कर देता है वो आगे बढ़ता है स्टडीज में, जो कि पहले स्टार्ट होता है मैथ्स, और धीरे धीरे वो कहाँ पे चलता है, फिलोसफी पे। ठीक है, फिलोसफी जहाँ पे उसको ट्रुथ के बारे में सिखाया जाता है, लाइफ के बारे में सिखाया जाता है, रियलिटी के बारे में सिखाया जाता है, कि क्या सत्य है आपकी लाइफ का, क्या रियलिटी क्या है, रियलिटी ट्रुथ क्या है, रियल ट्रुथ क्या है, ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, तो 20 साल के होने के बाद आपका एक टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद अगर आप इसको पास कर देते हो, आगे की स्टडी आपकी कंटिन्यू की जाती है, और स्टडी में आपको मैथ्स, फिलोसफी वगैरह पढ़ाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद आपका ये जो चलता है, ये आपका 35 तक की एज में चलता है हायर एजुकेशन, जहाँ पे आपको फिलोसफी वगैरह पढ़ाई जाती है। अब 35 के होने के बाद आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, अब हर एक इंडिविजुअल को क्या करा जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। मतलब हर एक सिटी, हर जो भी, जिसने भी ये एजुकेशन लिया है, जिसने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, अब वो क्या करता है, जो भी उसने पढ़ा है उसको वो अप्लाई करता है सोसाइटी में। ठीक है, वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है एज अ फिलोसफर और एज अ लीडर।
ठीक है। देन उसके बाद फाइनल स्टेज आती है 50 साल के बाद। अब वो एक तरीके से उसकी ट्रेनिंग थी, किस चीज की ट्रेनिंग थी, उसको सिखाया जा रहा था कि जो अब तक तुमने सीखा है उसको अप्लाई करके आओ। अब उसको सिखाया जा रहा है रियलिटी के बारे में, कैसे आप लोगों की हेल्प करोगे, वो सारी चीजें 50 साल के होने के बाद। अब यहाँ पे उसको अल्टीमेट ट्रुथ के बारे में पता चल गया है, क्या सही है उसके बारे में पता चल गया है। अब वो इंसान जिसने 5 साल तक अपनी 50 साल तक अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, वो एक वाइस लीडर बन चुका है और वो सोसाइटी को गाइड कर सकता है अपनी एक वाइस लीडरशिप के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरी स्टेजेस है, किसने दिए, प्लेटो ने दिए कि इस तरीके से आप क्या करते हो, पूरी सोसाइटी को एजुकेट कर सकते हो। अब क्या गोल है एजुकेशन का, तो इनका जो मेन गोल है एजुकेशन का वो ये है कि नॉलेजेबल बनाना हर एक इंडिविजुअल को, और वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करे किसके, सोसाइटी को वेलबींग करने में। प्लेटो बिलीव करते हैं कि एजुकेशन जो लोगों को हेल्प करता है समझाने में कि क्या ट्रूथ है और क्या गुडनेस है, ठीक है, और एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा लीडर बनाने में कौन हेल्प करता है, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन क्या होता है, सभी को दिया जाना चाहिए और कुछ स्टेजेस उन्होंने बताइए, तो ये स्टेजेस आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये प्लेटो की थ्योरी है किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं थॉट्स ऑन वुमेन। तो प्लेटो के क्या थॉट्स है वुमेन को लेकर, तो इन प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, जहाँ पे वो कुछ इंटरेस्टिंग फॉरवर्ड थिंकिंग बताते, कुछ आइडियाज बताते हैं वुमेन को लेकर, उनके रोल्स के बारे में सोसाइटी के अंदर। तो प्लेटो जो होता है वो बोलते हैं कि इक्वल रोल होना चाहिए किसका, वुमेन का, किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर इक्वल रोल होना चाहिए वुमेन का सोसाइटी के अंदर। तो प्लेटो बोलते हैं कि जितना मेन का एबिलिटी होता है उतना ही एक मैन के अंदर होता है। प्लेटो बिलीव करते हैं कि वुमेन और मैन दोनों के अंदर जो एबिलिटी होती है सेम होती है, तो हमको कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए मैन और वुमेन के अंदर। दोनों की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना मैन को होता है उतना होता है। ठीक है, ऐसा रूल है, वुमेन भी वही काम करेगी और ऐसा मैन भी कौन है वो हमारा इतना काम करेगा। ठीक है, इक्वल जॉब, मैन और वुमेन के लिए दोनों इक्वल जॉब होनी चाहिए, दोनों के लिए इक्वल जॉब होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन के लिए तुमने अलग से जॉब क्रिएट करके रखा है और मैन के लिए तुमने अलग से जॉब क्रिएट करके रखा है। देन उसके बाद बोलते हैं कि नो प्राइवेट फैमिली। प्लेटो को सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे सोल्जर वगैरह होते हैं उनके पास अपना कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास कोई अपना प्राइवेट फैमिली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक सोल्जर के पास या एक रूलर के पास अपनी खुद की प्राइवेट फैमिली होगी तो वो अपनी प्राइवेट फैमिली के बारे में ही सोचेगा, उससे आएगा फेवरटिज्म, और अगर प्राइवेट फैमिली नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करेगा फेवरटिज्म से। ठीक है, वो हर एक पूरी सोसाइटी के बारे में सोचेगा, ना कि अपनी फैमिली के बारे में, और सभी चाइल्ड को एक तरीके से सभी का जो लालन पालन होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, सभी चिल्ड्रन को ऊपर मतलब पढ़ाया जाना चाहिए, इक्वल रेस करना चाहिए मिलकर। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि उसका पेरेंट्स ये है उसका पेरेंट्स राजा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी इक्वल होना चाहिए, पर्सनल बाइस नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। वुमेन की फ्रीडम की बात बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि देखो भाई, एक वुमेन को सिर्फ घर के कामों तक, घरेलू कामों तक मत रखो। ठीक है, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन मत रखो कि तुम घर का खाना बनाओगे, घर के झाड़ू पोछाई करोगे, नहीं। एक वुमेन को भी सेम एजुकेशन मिलना चाहिए जितना चांस एक मैन को दिया जाता है एजुकेशन का, उतना ही वुमेन को मिलना चाहिए। ठीक है, जितना कंट्रीब्यूट एक मैन कर सकता है सोसाइटी में उतना ही एक वुमेन को करना चाहिए। ठीक है, तो वुमेन को एक घर तक रखना प्लेटो के अकॉर्डिंग ये है कि तुम कहीं ना कहीं अगर एक वुमेन को घर पे बांध के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम एक वुमेन के पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके डेवलपमेंट में, तो वो आपके घर में रख के जो उसका पोटेंशियल है वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कहना है किसका, प्लेटो का। और ये बोलते हैं कि फैमिली और प्रॉपर्टी किसकी नहीं होनी चाहिए, रूलर के पास नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रूलर या सोल्जर के पास अपनी खुद की प्राइवेट फैमिली है तो वो अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, ना कि पूरी सोसाइटी के बारे में, और इससे होगा हमारा करप्शन। तो इसलिए रूलर्स के पास अपना खुद का प्राइवेट फैमिली नहीं होना चाहिए, ये डिस्ट्रैक्ट करेगा उसको। देन उसके बाद डिफरेंट रोल होता है डिफरेंट क्लासेस के लिए। प्लेटो बोलता है कि जो प्लेटो है उसने बोला है कि सोसाइटी को डिवाइड किया जाना चाहिए क्लासेस के अंदर, रूलर सोल्जर वर्कर ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और कोई पर्सनल वेल्थ वगैरह किसी के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि मतलब जो हमारे रूलर सोल्जर होते हैं, ना कि सभी रूलर और सोल्जर्स के पास अपना खुद का पर्सनल वेल्थ नहीं होगा, उनके पास अपना जमीन, अपना फैमिली, अपना प्रॉपर्टी, अपना वेल्थ, अपना धन कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ जो होगा वो पूरी सोसाइटी का होगा। ठीक है, अगर एक राजा का घर है तो वो राजा का नहीं है, वो पूरी जनता का है।
ठीक है, तो कोई प्राइवेट फैमिली, प्राइवेट घर, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके पास नहीं होगी, ना किसी सोल्जर ना किसी रूलर के पास होगी, तो एक वर्कर और आर्टिशन के पास होगी। लेकिन आर्टिशन और वर्कर के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, उनके पास बस अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट फैमिली होगी। तो प्लेटो का क्या कहना है वुमेन को लेकर, वुमेन के लिए वो बोलते हैं जितना कैपेबल एक मैन होता है उतना ही एक वुमेन होती है, दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी दी ना जानी चाहिए, ठीक है, और दोनों को सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल एबिलिटी होती है। अगर तुम किसी वुमेन को रोक रहे हो, ठीक है, उसको हाउस होल्ड तक ही सीमित रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके पोटेंशियल को तुम वेस्ट कर रहे हो। और एक रूलर के लिए क्या होना चाहिए, कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए, अगर प्राइवेट फैमिली होगी तो वो करप्शन लेकर आएगा, अगर प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, कोई वेल्थ नहीं होगा उसके पास अपना प्राइवेट, तो कहीं ना कहीं हमारा करप्शन भी नहीं होगा सोसाइटी में। हमारा राजा, हमारे रूलर, हमारे सोल्जर किसके लिए सोचेंगे, सोसाइटी के लिए, कॉमन गुड के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वुमेन को लेकर इनका एजुकेशन। अब प्लेटो को कहीं ना कहीं जो इनके आइडियाज है इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई प्राइवेसी, कोई इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात नहीं किया, मतलब कोई इंडिविजुअल के पास अपना खुद का फ्रीडम है कुछ नहीं है। एरिस्टोटेल ने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। एरिस्टोटेल जो कि हमारे फिलोसफर है वो बोलते हैं कि भाई देखो, फैमिली तो और अपनी प्रॉपर्टी तो नेचुरल मिलती है। अब तुमको तुम्हारी फैमिली मिली है, वो किसी ने तुमको दी नहीं है, वो तुमको नेचुरली मिली है, ठीक है, तुम्हारा जो जमीन है जो तुमको नेचुरली मिला है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होता है हैप्पीनेस के लिए। और प्लेटो ने ये बोल दिया कि तुम्हारे पास प्राइवेट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये डिसएग्री होते हैं इस चीज से, ठीक है, ये डिसएग्री होते हैं इस चीज से, कौन, हमारे एरिस्टोटेल। पॉपर भी कहीं ना कहीं, कार्ल पॉपर है वो क्रिटिसाइज करते हैं प्लेटो के आइडियाज को, बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल की जो पर्सनल फ्रीडम होती है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, ये ज्यादातर कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेट के बारे में सोच रहे हैं और इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कोई चेंज की प्लेटो ने बात नहीं करी है, और चेंज लाना बहुत जरूरी है एक सोसाइटी के ग्रोथ के लिए और इम्प्रूव के लिए। अगर आप सोसाइटी में चेंज नहीं लेकर आओगे तो सोसाइटी कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है किसके, प्लेटो को लेकर। अब हम बोलते हैं जो प्लेटो है वो डेमोक्रेसी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। तो प्लेटो का क्या बिलीव है डेमोक्रेसी को लेकर, प्लेटो बोलते हैं कि देखो भाई, डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं फ्रीडम देता है, इक्वालिटी देता है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ क्योस वगैरह पैदा होते हैं जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट किया जाता है, डिसिप्लिन, एक वर्ड है जो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब एक तरीके से जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती है सोसाइटी के अंदर, और जिससे हमारा जो एक पर्सन होता है वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें पहले तो तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम होगा और हर कोई अपनी मनमानी करेगा, तो एक ऑर्डर नहीं रहेगा सोसाइटी में, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, तो एक पर्सन के लिए इजी रहेगा कंट्रोल करना। तो प्लेटो का क्या व्यू एक सोसाइटी के लिए, प्लेटो क्या देखते हैं सोसाइटी को, प्लेटो बोलते हैं कि देखो भाई, एक सिटी को इन्होंने कंपेयर करा है एक पर्सन के सोल से, मतलब एक पर्सन की जो आत्मा होती है उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे रीजन होता है, डिजायर होता है, जो हमने पहले भी बात करा था, ऐसे एक सोसाइटी को उसने डिवाइड करा है डिफरेंट ग्रुप के अंदर, जैसे सोल्जर, रूलर, वर्कर के अंदर। ये बोलते हैं कि बेस्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ पे वाइसेस लोड, क्या, जहाँ पे जो वाइसेस पीपल होते हैं, मतलब जो फिलोसफर किंग होते हैं, अगर वो रूल करते हैं तो वो हमारी बेस्ट सोसाइटी होती है, क्योंकि ये हर किसी के लिए बेस्ट होता है, ठीक है, तो वही रूल करेंगे, वही बेस्ट सोसाइटी होगी। तो इन्होंने चार टाइप की गवर्नमेंट के बारे में बात करा है, किसने, प्लेटो ने। प्लेटो ने बोला है सरकार जो होती है चार टाइप की होती है, और बताते हैं चार टाइप की कौन कौन सी होती है। पहले होती है टिमोक्रेसी। टिमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे हमारे सोल्जर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सोल्जर जो होता है वो मेनली अपना खुद की इज्जत के लिए लड़ते हैं, ठीक है, और ये कोई फेयर रूल नहीं होता, ठीक है, ये कोई फेयर रूल नहीं होता, मतलब इज्जत के लिए लड़ रहे होते हैं, सोल्जर पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। अब होता है हमारा ओलिगार्की। ओलिगार्की एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे रिच लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरी सोसाइटी को, और इनका मेन गोल होता है अपने आप को और अमीर करना। अमीर लोग पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल करके रखते हैं, और उनका मेन मोटिव होता है कि अपने आप को अमीर करना है और सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिसकी वजह से सोसाइटी में क्रिएट होता है एक बहुत बड़ा गैप रिच और पुअर के बीच में। अब रिच और पुअर के बीच में गैप क्रिएट होता है जिसकी वजह से होती है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी टाइप की ओलिगार्की। तीसरे टाइप की इन्होंने बात की है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे हमारे लोगों के पास सभी के लिए इक्वल फ्रीडम होता है, इक्वल राइट्स होता है, वो चाहिए। अब प्लेटो बोलते हैं कि देखो भाई, लोग और रिच पीपल क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं रूलिंग क्लास के रूल से, ये तो अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को रिच करने की बात कर रहा है, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो जनता होती है वो खुश नहीं होती, वो अपने यहाँ पे लेकर आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में प्रॉमिस किया जाता है सभी के पास फ्रीडम है,
अब फ्रीडम है तो जिसका जो मन करता है वो कर सकता है, अब जिसका जो मन कर रहा है तो इसकी वजह से क्रिएट होता है डिसऑर्डर, ठीक है। अब डिसऑर्डर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से हमारी एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे उथल पुथल होती है पूरा। अब ऐसी स्टेज में एक सिंगल रूलर के टेक ओवर करना काफी इजी हो जाता है, और टेक ओवर कर लेता है तो उससे हमारी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट आती है जिसको हम टेंडेंसी बोलते हैं। और यहाँ पे एक पर्सन दिखा तो ऐसे है कि वो प्रोटेक्टर है, वो प्रिटेंड करता है कि भाई वो क्या है तुम्हारा प्रोटेक्टर, लेकिन एट द एंड वो सेल्फिश निकलता है, वो अपने लिए सिर्फ काम करता है ना कि जनता के लिए। तो थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट किसने बताई? प्लेटो ने। अब प्लेटो क्यों लाइक नहीं करते डेमोक्रेसी को? प्लेटो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब जो फोकस कर रही है फ्रीडम के ऊपर ना कि विजडम के ऊपर, ठीक है। ये बोलते हैं हर कोई फ्री है, जो कर रहा है वो करने दो, जिसका जो मन है वो करे, फ्रीडम है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होता है। अब कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। डिसऑर्डर जो कि बहुत इजी सिचुएशन क्रिएट करता है किसी भी एक डिक्टेटरशिप डिक्टेटर के लिए, जहाँ पे हमारा एक अनफेयर रूल आ जाता है, वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं। अब कुछ और लोगों की क्या थिंकिंग है, तो काफी लोग डिसएग्री करते हैं प्लेटो के साथ, बोलते हैं कि देखो भाई जो प्लेटो के व्यूज है डेमोक्रेसी को लेकर उससे हम सहमत नहीं है। क्यों? वो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ पे फ्रीडम होती है, रिस्पेक्ट किया जाता है डिफरेंट ओपिनियंस को, ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का नजरिया है, ठीक है। तो ईशा प्रिलिन और कार्ल मार्क्स आर्ग्यू करते हैं कि जो प्लेटो का आइडिया है ना परफेक्ट सोसाइटी का, वो कोई बढ़िया आइडिया नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, बहुत कंट्रोलिंग है, और कहीं ना कहीं लोगों को अलाउ नहीं करता कि आप फ्रीली रह सकते हो, ठीक है। जिसके ऊपर जो बांध दिया गया है वो वही करेगा, और किसी के पास कोई अपना फ्रीडम नहीं होता, फ्रीडम तो कोई है ही नहीं, इक्वालिटी भी नहीं है। तो इसके लिए कौन बोलते हैं हमारे कुछ क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स बोलते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा आइडियाज किसके, प्लेटो के, एजुकेशन के ऊपर क्या आइडियाज थे, वुमेन को लेकर क्या थे, और डेमोक्रेसी को लेकर क्या थे, सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम वगैरह हो तो बता देने का है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो बता देने का है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।